न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आँखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड्स, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड्स, कॉन्टैक्ट लेंसेस एनी कलर रुपीज 99 ऑनवर्ड। जो हजरत 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उमरा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा मेन रोड अपोजिट। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम, RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। आज बतारीख 7 नवंबर बरोजे जुमेरात के दिन बाला नगर DCP जोन ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। बाचूपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत लेक व्यू कॉलोनी प्रगति नगर में बतारीख 4 नवंबर को चंद शरपसंद अफराद की जानिब से गांधी जी के मुजस्मे के साथ तोड़फोड़ करते हुए मुजस्मे को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद सुधन रेड्डी नामी शख्स ने बाचूपल्ली पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए बालानगर स्पेशल ऑपरेशन टीम पुलिस ने आज बतारीख 7 नवंबर बरोजे जुमेरात को 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करते हुए तमाम मुलजिमान को बाचूपल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमान की शिनाख्त कुछ इस तरह से की गई: कोपाडी नवीन, नरसिम्हा वरलक्ष्मी, टी ब्रह्मैया और कुरला परवीन की हैसियत से तमाम की शिनाख्त की गई और ये तमाम प्रगति नगर के रिहायशी बताए गए और तमाम को आज अदालती तहवील में दे दिया गया। आइए जानते इस खसूस में तमाम तर तफसील। एफआईआर जेडम जरिए तो दान तरवा था एंड साइबराबाद SOT वीलिदर कल संयुक्त आ केस चला प्रतिष्ठात्मक दीकोनी दाटो टेक्निकल एविडेंसेस एवर चैसे पशोधी परशील इवा మధ్యాహ్నం 3 గంటలకి ఒక నలుగురు వ్యక్తుల్ని అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళు అదే ఏరియాకి చెందిన వాళ్ళు. 191 కాలనీ అని ఆ ఏరియాలో ఉంది, ప్రగతి నగర్ ఏరియాలో. వీళ్ళు చిన్న చిన్న పనులు చేసుకొని జీవనం గడుపుతుంటారు. వీళ్ళు అంతకుముందు ఆ ప్రాంతంలో నిర్మానుష్యంగా ఉండటం వల్ల, ఎవరూ లేకపోవడం వల్ల అక్కడ కూర్చొని వీళ్ళు మద్యపానం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అయితే ఈ విగ్రహం పెట్టిన తర్వాత అక్కడ వీళ్ళ మద్యపానానికి అంతరాయం కలుగుతుందని, ఇబ్బంది కలుగుతుందని ఉద్దేశంతో కావాలని ఆ విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. సో దాంతో ఈ కేసుని, గాంధీ గారి విగ్రహం కాబట్టి ఈ కేసుని చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని బాలనగర్ జోన్ పోలీస్ అందరూ కూడా, ACP కొగటపల్లి, SHO బాచపల్లి, SOT పోలీస్, వీళ్ళందరూ కూడా చాలా చక్కగా సమన్వయంతో పనిచేసి అక్యూజ్డ్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో వారిని అభినందిస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ అన్నర్. तो नाजरीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।